Is it, what are you watching? I'm watching Dhawariya Jodi on Instagram. How well are we tracking? You're watching the whole film on your phone? Dhawariya Jodi scenes and trailers. And how well our songs are doing. Oh, are you wearing your chashma to look better? I want to take a dirty close up of you. Wait. There's no dirty close up of you. परिणति हियर। यस सर। परिणति, आपका पोस्टर में लुक देख के ऐसा लग रहा है कि एक और देसी गर्ल तैयार है और एक देसी गर्ल पहले ही धमाल मचा चुकी हैं। तो देख के ऐसा लगता है कि साथ में दोनों देसी गर्ल आती हैं तो कितना धमाल होता। तो कुछ इस बारे में बता सकती हैं आप? अब मैं क्या बोलूं? आई थिंक इस इंडस्ट्री में और इस दुनिया में एक ही देसी गर्ल हो सकती है। मैं कोशिश भी नहीं करूंगी, बट हम दोनों आई थिंक बहुत देसी हैं इस फिल्म में। उतना ही कहूँगी, आई थिंक मैं कुछ और नहीं कह सकती, बिकॉज देयर इज ओनली वन एंड ओनली द ओरिजिनल देसी गर्ल एंड नोबडी एल्स कैन टेक हर प्लेस। साथ में आने वाले अभी कभी फिल्म कुछ बात एक फिल्म में ऑफ कोर्स अगर स्क्रिप्ट करेक्ट हो तो डेफिनेटली वी वुड लव टू डू अ फिल्म टुगेदर। एंड अभी मैंने रिसेंटली बोला भी था, इफ देयर इज एन एक्शन फिल्म, कोई अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टर सुन रहा है तो या वी वुड लव टू डू एन एक्शन फिल्म टुगेदर। वी हम लोग बहुत बात करते हैं कि कुछ साथ में करना चाहिए, बट इट शुड बी करेक्ट। जी, हाई, दिस इज साक्षी फ्रॉम E24। फर्स्ट ऑफ ऑल द सॉन्ग इज ऑसम एंड देसी लुक में आप दोनों बहुत ही जच रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे सब जानते हैं कि सेलिब्रिटीज़ और मीडिया का काफ़ी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, जितना हमें आपकी ज़रूरत होती है उतनी ही आपकी हमें ज़रूरत होती है। तो रिसेंटली एक सेलिब्रिटी ने मीडिया के बारे में काफ़ी अभद्र शब्द कहे हैं, मैं कंगना रनौत की बात कर रही हूँ, और उन्होंने इवेंट पे भी जर्नलिस्ट से सबके सामने झगड़ा किया। इसके बारे में आपका क्या कहना है एज अ सेलिब्रिटी, बिकॉज कहीं ना कहीं हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। आपका हमें शुरुआत का समझ आया, लैटर हाफ नहीं समझ आया, पर आई थिंक जो आप रिश्ते की बात कर रहे हैं। नहीं, मेरा कहना है कि अगर जैसे कंगना ने अभद्र शब्द यूज़ किए हैं मीडिया के लिए, तो उस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप सेलिब्रिटी फ्रेटर्निटी से हैं। नहीं बिल्कुल, ये जो हमारा और आपका रिश्ता है, आई थिंक इट्स कभी कभी ऐसा लगता है जैसे जो बहुत ही पुराने कपल्स होते हैं ना, मियाँ बीवी, कभी लड़ाई नोक झोंक या कोई चीज़ें बुरी लग जाती हैं तो वो रूठ जाते हैं, आई थिंक। बट हमें इसको ना पर्सनली लेकर, बिल्कुल प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, आप ही अपना काम करने आए हैं, हम भी अपना काम करने यहाँ पे आए हैं। आई थिंक हम आपको जब यहाँ इनवाइट करते हैं तो हमारी कोई भी इंटेंशन नहीं है कि हम आपको यहाँ पे ऐसा कुछ मिसबिहेव करने के लिए या कुछ बदतमीजी करने के लिए बुला रहे हैं या आपसे करना चाहते हैं। तो आई फील ये एक वन ऑफ इंसिडेंट है, एंड मेरे कितने सारे दोस्त हैं यहाँ पे जो यू नो आपकी मीडिया से हैं, जिनसे मैं काफ़ी बातें करता हूँ। मैं खुद पर्सनली शायद इस स्टेज पे उनसे इन चीज़ की बातें ना करूँगा, पर आई थिंक जो रिश्ते की बात कर रहे हैं, इट्स ऑलवेज बिन म्यूचुअल लव एंड रिस्पेक्ट, बिकॉज ये तो चलता आ रहा है कि हमारी चाहे आपको पिक्चर ना पसंद हो, मैं खुद भी, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता, मेरे बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है पिक्चरों के बारे में, एंड आई थिंक वो उनकी पर्सनल या उनकी एक प्रोफेशनल ओपिनियन है, उससे मेरी परफॉर्मेंस पे या मेरी अगली पिक्चर है मेरे फ्यूचर पे या मेरे किसी भी मेहनत पे असर नहीं हो सकता है। तो मैं उस नज़रिए से देखता हूँ इसको, आई थिंक। और हम सभी आई थिंक यंगर जनरेशन में सब लोग, वी ऑल लुक्ड एट अ वेरी प्रोफेशनल, वेरी आई वुड से वर्क रिलेशनशिप, कि आप हमारे इन अ वे कॉलीग्स हैं जो हर पिक्चर में हम आपसे मिलते हैं, आपसे बातें करते हैं, इतने घंटे बिताते हैं। और आई थिंक जस्ट समवेयर, या समवेयर व्हाट इज हैपनिंग इज कि हम आप लोगों को इतने सालों से जानते हैं, आप में से कुछ, मतलब मैं पर्सनली आप लोगों को जानती हूँ बिफोर आई वाज एन एक्ट्रेस आल्सो, सो कहीं ना कहीं देयर इज आल्सो अ वियर्ड सॉर्ट ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन अस। एंड कई बार हम लोग बहुत चीज़ें साथ में बैठ के बातें करते हैं, या जब हम इंटरव्यूज करते हैं, या जब हम आपके सवालों के जवाब देते हैं। आई जस्ट होप दैट फ्रेंडशिप इज़ नॉट मिसअंडरस्टूड, क्योंकि कई बार हम लोग, वी आर ऑलवेज डीलिंग विद एक्टर्स गेटिंग मिसकोटेड, एंड आई गेस फ्रॉम योर साइड ऑल्सो फ्रॉम द मीडिया गेटिंग मिसकंस्ट्रूड। सो आई जस्ट होप दैट बोथ साइड्स आर एबल टू मेंटेन दिस रिलेशनशिप टू बी अ फ्रेंडली वन, बट एट द सेम टाइम प्रोफेशनल वन, बिकॉज अ लॉट ऑफ रेप्यूटेशंस आर गेटिंग अफेक्टेड। सो आई थिंक एवरीबडी नीड्स टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल। थैंक यू।